कोरोना ने जिस तरह देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात को परेशान कर रखा है, उसी तरह अब इन दोनों राज्यों की मुसीबतें मौसम भी बढ़ा रहा है। जी हाँ, दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आने लगी हैं, जिससे मौसम विभाग भी अब चिंतित है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से गुजरात और महाराष्ट्र में गरज के साथ तेज बारिश हो रही है, जिससे चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जलजमाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं गुजरात में भी लगातार बारिश के कारण स्थिति बिगड़ती दिख रही है, जिससे निपटने के लिए कच्छ और राजकोट के लिए NDRF की 7 टीमों को रवाना किया गया है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के ठाणे में 28 सेंटीमीटर, सांताक्रूज में 20.1 सेंटीमीटर और कोलाबा में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में मध्य और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं लगातार हो रही तेज बारिश से मुंबई की पवई झील पूरी तरह भर गई है। यही नहीं, मुंबई के चेंबूर, वडाला, धारावी, अंधेरी, हिंदमाता जंक्शन, खार सबवे, मिलन सबवे और दहिसार सबवे में भी जल भरा हुआ है। बात करें गुजरात की तो यहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह है। यहाँ भी कई इलाकों में लगातार तेज बारिश से जलभराव हो गया है। कृष्णभूमि की माने जाने वाली द्वारका में कई इलाकों में काफी पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि द्वारका में बारिश के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और गाड़ियां बहती दिख रही हैं। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्से में पानी काफ़ी भर गया है। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। पोरबंदर और जूनागढ़ का भी यही हाल है। यहां कोई इलाके में पानी भर चुका है, जबकि कुछ ही घंटे की जोरदार बारिश में ऐसा हाल हुआ है। भावनगर में समुद्र में तेज करंट के चलते पोर्ट पर 3 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है, ताकि मछुआरे आगे ना जा सके। दूसरी ओर द्वीप में भी लोगों से कहा गया है कि समुद्र के पास ना जाएं, यहां कई मछुआरों की नाव डूब गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।